हेलो दोस्तों, एक बार फिर से न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। दोस्तों इस स्टॉक में हमें अभी तक बहुत स्ट्रांग तरीके से गिरावट देखने मिला है। हालांकि दोस्तों जब स्टॉक के प्राइस में ओनली 1500 के अप्रोक्सिमेट में ट्रेड करते हुए देखने मिला था, वहां से आप लोग के वीडियो बने के डिस्कस किया था दोस्तों इस स्टॉक में हमें खरीदारी करना चाहिए। इसका मिशन और विजन बहुत स्ट्रांग है और इसका बिजनेस का ग्रोथ भी काफी अच्छा खासा हमें देखने मिल रहा है, जिसके वजह से इसका प्राइस हमें फ्यूचर में यहां से काफी आगे जाते हुए देखने मिलेगा। और दोस्तों 1500 का स्टॉक हमें 6000 के अप्रोक्स में जाते हुए देखने मिला। आप लोग समझ सकते हो इस स्टॉक ने जबरदस्त तरीके से मुनाफा दिया है अभी तक। हालांकि 6000 का स्टॉक दोस्तों, इसमें काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें गिरावट देखने मिला, जिसके वजह से इसका प्राइस हमें 3000 के निचले स्तर पे आती हुई देखने मिला था। हालांकि वहां पे भी हमने बीडी बनाकर डिस्कस किया था दोस्तों, अगर इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने मिल रहा है तो हमें खरीदारी करना चाहिए, फ्यूचर में फिर से हमें काफी अच्छा खासा रिकवरी देखने मिलेगा। और दोस्तों फिर से हमें इस स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से रिकवरी देखने मिल रहा है, जिसके वजह से इसका प्राइस फिलहाल हमें 3800 रुपए के अप्रोक्सीमेट ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। हालांकि फ्यूचर में इसका प्राइस फिर से हमें 5000 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। आप लोग इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। तो चलिए इस स्टॉक से रिलेटेड हम सारे इंफॉर्मेशन एक बार देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, पिछली वन मंथ की बात करेंगे तो पिछली वन मंथ में इस स्टॉक में यहाँ पे 21% के अप्रोक्स में यहाँ पे रिकवरी देखने को मिला है, जो कि अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है। आप लोग समझ सकते हो हमें यहाँ पे काफी अच्छा खासा रिकवरी होती हुई देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करेंगे पिछले 6 मंथ के इसका प्राइस ग्राफ का, तो अभी भी हमें इस स्टॉक में यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से गिरावट देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करेंगे पिछले 1 साल का इसका प्राइस ग्राफ का, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा प्लस पॉइंट ही देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे पिछले 5 ईयर का इसका प्राइस ग्राफ का, तो पिछले 5 ईयर में इस स्टॉक में 400% से एबव का यहाँ पे हमें मुनाफा देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में काफी अच्छा खासा है। हालांकि बात करेंगे सबसे अधिक दिनों का इसका प्राइस ग्राफ का दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे अधिक दिनों में भी काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे हमें मुनाफा देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहां से हमें इस स्टॉक में काफी अच्छा खासा गिरावट देखने मिला था, हालांकि फिर से इसमें काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रहा है। और फ्यूचर में इसका प्राइस हमें 5000 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। आप लोग इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। हालांकि हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ LTTS के रिगार्डिंग। स्टॉक अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है, आप लोग इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। हालांकि आज की ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों यहाँ पे हमें 28% से एबव का यहाँ पे खरीदारी होते हुए देखने मिला है, जो कि अपने आप में काफी अच्छा खासा है। हालांकि बात करेंगे इसका 52 एक लो एंड हाई का दोस्तों, तो स्टॉक ओनली हमें 3000 के निचले स्तर पे आते हुए देखने मिला था इसी साल, जो कि इसका हाई यहाँ पे 6000 का हमें आसपास का फिगर देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करेंगे इसका फेस वैल्यू का, तो यहाँ पे हमें 2 रुपए देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों बात करेंगे इसका क्वार्टर का रिजल्ट का, तो यहाँ पे जून क्वार्टर का रिजल्ट अपडेट है नहीं। हालांकि बात करेंगे इस स्टॉक में यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग का, तो 73% से एबव का होल्डिंग है, जो कि अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों इस साल कंपनी ने डिविडेंड भी काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से दिया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो काफी अच्छा खासा हमें यहाँ पे फिगर देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करेंगे क्या प्रमोटर का शेयर कोई प्लेस भी है, तो यहाँ पे देख सकते हो कोई प्रमोटर का शेयर यहाँ पे हमें प्लेस नहीं देखने मिल रहा है। स्टॉक फ्यूचर के लिए काफी स्ट्रॉन्ग है, आप लोग इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। हालांकि हम बात करेंगे यहाँ पे रिजर्व फंड सरप्लस के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे जिस तरीके से हमें रिजर्व फंड सरप्लस का फिगर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल काफी इंक्रीमेंट के साथ में यहाँ पे हमें फिगर को देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करेंगे लॉन्ग टर्म ब्रोइंग का, तो यहाँ पे एकदम से 0 फिगर हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करेंगे शॉर्ट टर्म ब्रोइंग का, तो यहाँ पे भी हमें एकदम से 0 फिगर देखने को मिल रहा है, यानी कि 100% कंपनी यहाँ पे डेप्ट फ्री हमें देखने को मिल रहा है। और फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा इसमें हमें
रैली देखने को मिलेगा। और दोस्तों बात करेंगे फिक्स एसेट का, तो फिक्स एसेट का फिगर भी अपने आप में काफी स्ट्रांग है। तो दोस्तों फ्यूचर के लिए स्टॉक बहुत अच्छा खासा है, आप लोग इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। हालांकि दोस्तों बात करेंगे इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन का, तो यहाँ पे काफी स्ट्रांग तरीके से हमें फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे देखते तो इस स्टॉक का सेक्टर के पीछे भी हमें यहाँ पे 17 के अप्रोक्सीमेट देखने को मिल रहा है, जो कि सेक्टर के पीछे से इस स्टॉक के पीछे हमें यहाँ पे काफी हाई देखने को मिल रहा है। और दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे इसका रेवेन्यू के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे जिस तरीके से हमें रेवेन्यू का यहाँ पे ग्राफ देखने को मिल रहा है अपने आप में काफी स्ट्रांग है। पिछले 5 ईयर का यहाँ पे ग्राफ है, एवरी ईयर कंपनी काफी स्ट्रांग तरीके से यहाँ पे रेवेन्यू का ग्राफ शो किया है। और दोस्तों बात करेंगे नेट प्रॉफिट का, तो पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल काफी इंक्रीमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक फ्यूचर के लिए काफी अच्छा खासा है, आप लोग इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। हालांकि बात करेंगे यहाँ पे सेल्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे देख सकते हो सेल्स में काफी शानदार तरीके से यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करेंगे नेट प्रॉफिट के रिगार्डिंग दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हो नेट प्रॉफिट का फिगर भी अपने आप में काफी अच्छा खासा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करेंगे इस स्टॉक में एफआई की होल्डिंग है, डी की होल्डिंग है, उससे पहले बात करेंगे प्रमोटर का, तो यहाँ पे भी हमें 73% से एबव का होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि एफआई की होल्डिंग यहाँ पे 6% से एबव का है। और दोस्तों डीआई की होल्डिंग भी काफी अच्छा खासा है। हालांकि बात करेंगे यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग का, तो यहाँ पे 15% से एबव का हमें देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डर रिटर्न भी अपने आप में काफी स्ट्रांग है, आप लोग इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। हालांकि बात करेंगे अगर यहाँ से इस स्टॉक में थोड़ा बहुत हमें करेक्शन देखने को मिलता है, तो इसका प्राइस हमें फिर से 3000 के अप्रोक्स में आते हुए देखने को मिलेगा। अदरवाइज फ्यूचर में इसका प्राइस हमें 5000 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हो वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो प्लीज मेरा यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो है नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।